नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहुं मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्व धर्मणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाजन्यशलाख चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारेण मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य कुंभाचार्य भगवान द्वारा रचित ग्रंथाधिराज समय सारे प्रमाणों एवं जैसे आचार्य भगवान द्वारा तात्पर्य रखी नमक टीका उनकी 320 नंबर की गाथा अभी अपन ने पूछे गुरुदेव श्री के मुखारविंद से इसी गाथा का चौथा नंबर का प्रवचन सुना अनादिकाल से जीव ने वस्तु की व्यवस्था का जो क्रम है वो क्रम को सुना है क्रम को जाना है उस क्रम को सुनते हुए जानते हुए क्रम से आगे बढ़कर अक्रम स्वरूप वस्तु जो है वो मैं हूं वहां तक जीव पहुंचने लगा। जिनवाणी के अंदर में ज्ञानियों के वचनों के अंदर में काफी क्रमों की चर्चा हुई है और ये सारा क्रम जीव को ख्याल में भी आया। मैंने क्रम की अपन चर्चा करें तो दो पदार्थ की भिन्नता से भी शुरुआत करें तो यह समझना भी आवश्यक है हर एक पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय संपन्न है यह समझना भी जरूरी है। परिणाम के अंदर में अनादिकाल से अज्ञान रहा है
इसका स्वीकार करना भी जरूरी है। दुखी हूँ सुखी होना ये निर्णय होना भी जरूरी है। सुखी हुआ किसे जाए तो पदार्थों की भिन्नता समझकर, वस्तु की व्यवस्था समझकर, प्रमाण स्वरूप वस्तु की मर्यादा में आकर प्रमाण में नहीं अटकना और उसमें से निश्चय निकाल कर सुधात्मक तत्व में हूँ वहां पर आना, इतना बुद्धिपूर्वक सभी जीवों ने जाना। लेकिन एजेंडा पर जो विषय हो उस विषय पे जीव टिकता नहीं। अभी यदि ध्येय की चर्चा है तो ध्येय के अंदर में ध्येय का विषय ही चल सकता है और कुछ नहीं चल सकता। वो ध्येय के विषय में दूसरे विषय की बात को ले आवे तो मेल नहीं पड़ सकता। और आज तक ऐसा ही हुआ कि सुधात्मा की बात चले तो पर्याय को याद करता है, पर्याय की बात चले तो कर्मों को याद करता है, कर्मों की बात चले तो नौ कर्मों को याद करता है, नौ कर्मों की बात चले तो उदय को याद करता, एक के अंदर में दूसरा का मिलान करता हुआ अनादिकाल से संसार परिभ्रमण करता आया। अभी संसार परिभ्रमण का अंत का उपाय एकमात्र है और वह है ध्रुव तत्व मैं हूँ, सुधात्मा मैं हूँ, परम पारिणामिक भाव मैं हूँ। चार भावों का मेरे में अत्यंत अभाव है। चार भाव का अत्यंत अभाव का मतलब यह है कि उपसम सहपसम सायिक भाव रूप में नहीं होता, मैं ध्रुव भाव रूप रहता हूं, त्रिकाल भाव रूप, एक भाव रूप। और इसकी जब तक महिमा नहीं आती तब तक बाकी कोई भी घटना घटित नहीं होती। द्रव्य पर्याय की चर्चा करने से काम बनने वाला नहीं, मैंने उसका मतलब यह नहीं कि यह चर्चा नहीं करना, मतलब यह है कि पदार्थ की सिद्धि को समझकर प्रयोजन पे यदि जीव नहीं आता है तो परम पारिणामिक भाव पे जोर नहीं आता, वजन नहीं आता। और वो वजन आए बिना परमात्मा द्रव्य का सम्यक श्रद्धान नहीं हो सकता। परमात्मा द्रव्य का सम्यक श्रद्धान होए बिना मैं श्रद्धेय तत्व हूं और श्रद्धेय में श्रद्धान का अभाव है, इस बात पे वजन नहीं आता। मैं नहीं जानता श्रद्धा की दुनिया क्या होती है, मैं तो इतना जानता हूं कि मैं ध्रुव तत्व हूं, मेरे में ध्रुवत्व बहता है, परम पारिणामिक भाव में एक रूप भाव, ज्ञायक भाव, पवित्र भाव, शुद्ध भाव, परिपूर्ण भाव, लबालब ठसा ठस भरा हुआ है। उसके अंदर में अनंत गुणों का संचेतन सदा ही प्रवाहित होते रहता, अपरिणामी रूप से, अपरिणामी भाव से, ऐसी पूर्ण वस्तु मैं हूं, इसके ऊपर आना ही होगा। ज्ञेय का प्रकरण चले तो ज्ञेय की व्यवस्था, ज्ञान की व्यवस्था, पर ज्ञेय नहीं स्वज्ञेय की व्यवस्था, स्वज्ञेय और ज्ञान का भेद नहीं, ज्ञायक मात्र वस्तु है, सब कुछ चलता है। लेकिन दृष्टि का विषय जो है वो सर्वोपरि विषय है, सर्वोच्च विषय है। दृष्टि के विषय की चर्चा करने वाले चाहे सोगानी जी हो, चाहे गुरुदेव हो, चाहे आचार्य देव, वो वस्तु की व्यवस्था को इनकार नहीं करते,
लेकिन वस्तु की व्यवस्था की चर्चा करते हुए लाभ भी नहीं होता। लालचंद भाई एक दृष्टांत दिया करते थे, जब जब उन्होंने शुद्धात्मा की बात की तब ऐसा प्रश्न आता था, लेकिन वस्तु तो द्रव्य पर्यायी स्वरूप है ना, तो आप कहा करते थे कि हाँ भैया ऐसा है कि आप मौसम्बी लेने के लिए जाओ, ये दृष्टांत देते थे मौसम्बी का, कि आप मौसम्बी लेने के लिए जाओ बाजार में और वो फल वाले की दुकान में 10 फ्रूट में से एक मौसम्बी को चुनो और मौसम्बी को चुनकर 6 मौसम्बी लेकर आओ और मौसम्बी के साथ में मौसम्बी का रस भी आता है, बीज भी आती है, छिलका भी आता है, अब उस मौसम्बी का उपयोग कैसे किया जाए। हमने 10 रुपया करके 10 मौसम्बी का 100 रुपया दिया, अब 100 रुपया की लागत तो लगी है, क्या करें, पूरा का पूरा मौसम्बी जूसर में डाल दे, मिल जाएगा मौसम्बी का जूस। अपन पहले छिलका निकाल देते हैं, बीज निकाल देते हैं, रेसा निकाल देते हैं और खाली मौसम्बी डाल के उनका जूस पीते हैं। ऐसे जो कुछ भी संयोग वाली बातें हैं, ये बात समझे कि नौ कर्म द्रव्य कर्म का संयोग है, द्रव्य कर्म भाव कर्म का संयोग है, एक समय की पर्याय का संयोग भाव कर्म है और ध्रुव का संयोग उत्पाद रूप परिणाम है। तो जहां तक संयोग की बात है वो मेरे से भिन्न है, तो एक समय का उत्पाद होने वाली पर्याय भी मेरे से भिन्न वस्तु है। मैं ध्रुव तत्व, अभी पूज्य गुरुदेव श्री का पूरा प्रवचन ही उसके ऊपर चला कि चार भाव से अत्यंत भिन्न, चार भाव प्रभाव है और परम परिणामिक भाव जो है वो स्वभाव है। जीव को ये चार भाव प्रभाव लगा ही नहीं, उपशम उदय भाव को भिन्न भले ही मान ले, लेकिन उपशम स्वयंपशम और क्षायिक भाव जो प्रकट करने योग्य है उसको हम प्रभाव कैसे कहें। अरे भैया त्रिकाल स्वभाव तेरा है ना, उस स्वभाव की अपेक्षा से वो प्रभाव है, हम उदय भाव की अपेक्षा से उसकी बात थोड़ी करते हैं, हम तो परम परिणामिक भाव की अपेक्षा से चार भाव को एक कोटि में रखते हैं। यदि तूने उदय भाव को अपना माना तो उपशम भाव को अपना मानना होगा, या तो उपशम भाव को अपना माना तो उदय भाव को अपना मानना होगा, क्योंकि जो उदय भाव का क्षेत्र है, शुभाशुभ भाव का जो क्षेत्र है, वही क्षेत्र आश्रव का है, वही क्षेत्र संवर का है। जिस क्षेत्र में आश्रव होता है उसी क्षेत्र में आश्रव का अभाव होकर संवर का जन्म होता है। वो क्षेत्र ही मेरा नहीं, वो पर क्षेत्र है। आत्मा असंख्यात प्रदेश ही है, पर क्षेत्र है। आत्मा अखंड एक प्रदेश ही है, वो स्व क्षेत्र है। निर्विकल्प मात्र वस्तु स्वस्वद्रव्य है और निर्विकल्प मात्र वस्तु ऐसा विकल्प स्व परद्रव्य है। परद्रव्य पर में नहीं बसता। निर्विकल्प मात्र वस्तु ऐसा विकल्प स्व परद्रव्य है। निर्विकल्प मात्र वस्तु स्वस्वद्रव्य और निर्विकल्प मात्र वस्तु स्व परद्रव्य ऐसा विकल्प स्व परद्रव्य। वो मैं नहीं हूं, मेरे में नहीं बसता हूं। यहां तक निर्विकल्प मात्र वस्तु ऐसा परिणमन सो भी परद्रव्य। जब तक ऐसी निर्विकल्प वस्तु का महिमा नहीं आएगी तब तक उसके अंदर में अहम नहीं हो सकता। जीव को ये सारी बात समझ में नहीं आती ऐसा नहीं है, लेकिन
बाकी सारी बातें है कि नहीं, वहां पर आकर रुक जाता। मैं मेरे से देखता हूं तो बाकी कोई बातें है ही। इस बात पे आना होगा तब दो टुकड़े होंगे, क्योंकि ये मार्ग बनियों का नहीं है, मार्ग क्षत्रियों का है। जितने भी अनंत काल में अनंत तीर्थंकर हुए वो सारे के सारे क्षत्रिय थे, एक घाव और दो टुकड़ा करना जानते थे। लेकिन बनिया एक घाव और दो टुकड़ा नहीं कर सकता। और गुरुदेव श्री कहा करते थे पुराने जमाने का उदाहरण देकर, कि जब सौराष्ट्र गुजरात के अंदर में वो बाहरवटिया का समय था, बाहरवटिया माने वो लुटेरे लोग आते थे रात को, या दिन में भी आ जाए तो घर के अंदर में जो कुछ भी है वो लूट जाते थे, पैसे भी लूट जाए, जेवरात भी लूट जाए, माँ बहन की इज्जत भी लूट ले। तो फिर हर घर के अंदर में सब कोई तलवार बसाने लगे कि आए तो हम कम से कम अपने आप की रक्षा तो कर ले, हम उनके ऊपर भी सामने हमला करें। उसके लिए सभी घर के अंदर में तलवार बसने लगी, तो बनियों के घर में भी तलवार बस गए। अब कभी सच में बाहरवटिया आ गए, और जब उसने सब कुछ लूटना शुरू किया घर बार में से, तो बनिया वो म्यान में से तलवार हो उसको बाहर निकाले अंदर डाल दे, बाहर निकाले अंदर डाल दे, बाहर निकाले अंदर डाल दे, उतना देरी में सारा लूट के चले गए। और क्षत्रिय होता तो जान की परवाह नहीं करता, वो तलवार निकाल कर सामने वार करता, फिर जो होता सो होता। क्योंकि जब तक दो टुकड़े नहीं किए जाएंगे तब तक वो जुड़ेगा नहीं। द्रव्य और पर्याय को जब तक दो सत्ता नहीं मानी जाएगी, जब तक उसको एक सत्ता का दो सत माना जाएगा, तब तक प्रमाण का पक्ष रहेगा। द्रव्य पर्याय दो भिन्न भिन्न सत्ता है, द्रव्य का विश्व भिन्न और पर्याय का विश्व भिन्न। द्रव्य नित्य रूप वस्तु है, पर्याय अनित्य रूप वस्तु है। द्रव्य ध्रुव है तो पर्याय क्षणिक है, द्रव्य टिकने वाली वस्तु है तो पर्याय टलने वाली वस्तु है। कहीं पे मेल ही नहीं है दोनों के स्वभाव के बीच में। वो दो लेके आत्मा नहीं है, सुधात्मा सो सुधात्मा है। सुधात्मा में पर्याय नाम की दुनिया नहीं बसती, सुधात्मा में अनंत गुणमय एक वस्तु बसती है। न पर्याय का उसमें आप अभाव देखो, सद्भाव देखने की तो चर्चा ही नहीं है। पर्याय से मैं रहित ध्रुव तत्व हूं ऐसा भी मत देखो, अभाव की अपेक्षा भी ध्रुव तत्व को लागू नहीं पड़ती। जब आप अभाव की भी अपेक्षा लगाओगे तो ध्रुव तत्व उतना कमजोर पड़ता है। क्या ध्रुव तत्व को ध्रुव तत्व साबित करने के लिए पर्याय के सद्भाव की नहीं अभाव की आवश्यकता है क्या? और पर्याय का अभाव होगा तो ध्रुव तत्व सत्पूर्ण होगा ऐसा है क्या? जो अपने स्वभाव से संपूर्ण है वो संपूर्ण को संपूर्ण पने रहने के लिए और कौन सा पदार्थ चाहिए? गुरुदेव श्री ने भी कहा वो चार भाव को हम जीव नहीं कहते, वो चार भाव को जीव कहते, वो सात तत्व वाला जीव कहते हैं, सुधात्मा वाला जीव हम उसको नहीं कहते हैं। और चार भावों से तो अगोचर है भगवान आत्मा, उस सुधात्मा के लक्ष्य से मोक्ष का जन्म नहीं होता। ऐसा परम पारिणामिक भाव वस्तु जो है, ऐसा जो परमात्मा द्रव्य जो है, भाई चार भाव को तुझे परद्रव्य मानना होगा। उसको परद्रव्य माने बिना भगवान आत्मा स्वद्रव्य है ऐसा नहीं दिखेगा।
और अजीत तुझे द्रव्य सुधात्मा स्वद्रव्य और पर्याय परद्रव्य, तो परद्रव्य के रूप में भी यदि पर्याय तुझे दिखता है तो हम कहते हैं कि वो परद्रव्य भी नहीं अद्रव्य है। अद्रव्य देखो, अवस्तु देखो, जब तक वो अद्रव्य और अवस्तु नहीं दिखेगी तब तक सुधात्मा सो वस्तु ऐसा अद्भुत अलौकिक अपूर्व अपना त्रिकाल भाव, शुद्ध भाव, परम पारिणामिक भाव, अपरिणमता भाव, टिकता भाव, नित्य रहता भाव, नित्यानंद भाव, चिदानंद भाव, ध्रुव भाव, नायक भाव, परिपूर्ण भाव, सो मैं हूँ, ऐसा आलाद, ऐसी अपूर्वता, ऐसी अद्भुतता, धसमस्ता, गुरुदेव कहना ना घोड़ा पूर्णी जम अंदर चैल हो जाए, धसमस्ता प्रवाह, मैंने पुराने जमाने के अंदर में वो प्रत्येक गांव के अंदर में एक छोटी छोटी नदियां बहती थी, सोनगढ़ के अंदर में भी थी ऐसी नदी, वो जब बारिश की मौसम आवे और पूर चलता तो घोड़ा पूर, मैंने कोई घोड़ा उड़ता हुआ जाता हो तो पानी भी उस तरह से उड़ती हो, मैंने जैसे प्रवाह धसमस्ता पूर, एक प्रवाहित होता हुआ पूर, जोरदार का प्रवाह, उस तरह से धसमस्ता हुआ तो अंदर कब जा सकता है कि जहाँ पे तुझे कोई विकल्प नहीं सताता हो, जहाँ पे तू विकल्प के संबंधी निर्विकल्प हो, निर्विकल्प के संबंधी भी निर्विकल्प हो, ऐसी अपनी जो वस्तु है उसकी जब महिमा आती है तब अपना जो श्रद्धेय तत्व जो है उसका विश्वास, उसका अस्तित्व अंतरंग से ग्रहण हो जाता है। ये अंतरंग से उठने वाली स्थिति है, ये बाहर से अंदर जाने का कोई विधान नहीं है। जो बाहर है उसको संयोग कहा जाता है, उत्पाद व्यय ध्रुव तत्व से बाहर है इसलिए वो संयोगी भाव है। जगत के जीव बाहर के संयोग को संयोग कहता है, लेकिन ये तो नौ कर्म के संयोग है, शरीर द्रव्य कर्म का संयोग है, द्रव्य कर्म भाव कर्म का संयोग है, पर्याय का रागादि भाव संयोग है और ध्रुव का संयोग तो एक समय की पर्याय है। तो जो संयोगी भाव है उससे मैं अत्यंत भिन्न तत्व हूं, अक्रम तत्व, एक रूप रहने वाला तत्व, शुद्ध तत्व, परिपूर्ण तत्व, ऐसी अद्भुतता अलौकिकता मेरे में भरी पड़ी है, इसकी महिमा आवे। और जिसको इसकी महिमा आती है वो बाहर से मर जाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री बैंसरी के बारे में ऐसा कहता, जीव तू मर्दू छे, वो चलते फिरते थे तो लगता मुर्दा चलता फिरता है, कहीं रुचि नहीं होती उनकी, पर में अपनत्व नहीं होता, जस बाहर से मर जाते हैं, लुखे पड़ जाते हैं, सूखे पड़ जाते हैं, खाना पीना उठना बैठना कुछ नहीं रुचता। स्वभाव की अद्भुतता ऐसी होती है। अब यहां पे गुरुदेव श्री क्या कहते हैं देखते अपन। बहत्तर नंबर का प्रश्न, दूसरा पैराग्राफ। निज परमात्मा द्रव्य जो त्रिकाली भगवान, ऐसे परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धान, देखो वो पर्याय हुई, वो त्रिकाली द्रव्य हुआ, निज परमात्मा द्रव्य जो त्रिकाली भगवान, वो त्रिकाली द्रव्य हुआ, ऐसे परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धान, देखो वो पर्याय हुई, त्रिकाली भगवान आत्मा ध्रुव 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 पारिणामिक लक्षण वाला निज तत्व भगवान, उसका सम्यक श्रद्धान, देखो यहाँ देवगुरु की श्रद्धा ने नव तत्व की श्रद्धा, वो श्रद्धा को समकित कहते नहीं, समझ में आया।
ये तो पहला धर्म की शुरुआत की बात है। मैंने ऐसा ध्रुव तत्व जिस परमात्मा तत्व के अंदर में पर्याय का अभाव है, ऐसा तत्व का श्रद्धान, ऐसा द्रव्य का श्रद्धान, ऐसा वस्तु को श्रद्धा, जिस श्रद्धान को सम्यक श्रद्धान कहने में आता है वो पर्याय हुई, और वो जो तत्व है परमात्मा तत्व है वो द्रव्य हुआ। निज परमात्मा द्रव्य, द्रव्य एटले वस्तु, सत्ता, होनापणा वस्तु का स्वभाव त्रिकाल। निज परमात्मा द्रव्य, द्रव्य एटले वस्तु, सत्ता, होनापना वस्तु का अस्तित्व, आत्मलाभ, आत्मा की हयाती को आत्मलाभ कहते हैं, पर्याय की हयाती को आत्मलाभ नहीं कहते। आत्मा का होनापना, आत्मा का अस्तित्व, आत्मा वस्तु जो है उसका होनापना, वो वस्तु का स्वभाव त्रिकाल, सदा एक रूप, उसकी इसकी सम्यक श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान एटले उसकी सन्मुख होकर अनुभव में श्रद्धा आना, सम्यक श्रद्धान, उसका सम्यक ज्ञान। देखो शास्त्र का ज्ञान ज्ञान नहीं, समझ में आया? नव तत्व का भेद का ज्ञान भी ज्ञान नहीं, छह द्रव्य का ज्ञान भी ज्ञान नहीं, छह द्रव्य का ज्ञान सो ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान सो ज्ञान नहीं, नव तत्व का भेद का ज्ञान सो ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान सो ज्ञान नहीं। एक निज परमात्मा द्रव्य वस्तु सत्ता होनापना त्रिकाल भाव स्वभाव भाव, उसका सम्यक श्रद्धान, वो मैं हूँ वो सम्यक श्रद्धान, उसका सम्यक ज्ञान, उसी को सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान कहते हैं। स्वरूप का श्रद्धान को सम्यक श्रद्धान कहते हैं। स्वरूप का श्रद्धान को सम्यक श्रद्धान कब कहा जाता है? कि उस श्रद्धा के अंदर में मात्र श्रद्धे ही बसता हो, मात्र श्रद्धे ही बसे, उसका नाम सम्यक श्रद्धान। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? जिसके अंदर में सिर्फ शुद्धात्मा बसता है, ध्रुवात्मा बसता है। छह द्रव्य का ज्ञान भी ज्ञान नहीं, आहा पूर्ण प्रभु ध्रुव चीज, एक समय की पर्याय बिना की चीज। अपन गुरुदेव श्री को पूछ सकते हैं कि प्रभु आप इतनी शुद्धात्मा की महिमा क्यों गाते हो, इतने भगवान आत्मा के गुणगान क्यों गाते हो? देखिए आत्मा की अनुभूति का विधान अनादि अनंत काल में एक ही होता है। किसी को द्रव्य दृष्टि से आत्मा की अनुभूति हो और किसी को द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की दृष्टि से अनुभूति हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यदि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की दृष्टि कौन करे? कि अपन यदि पर्याय को द्रव्य के साथ में मिला देते हैं तो दृष्टि करने वाला तो कोई रहा ही नहीं, कौन करेगा दृष्टि? मतलब प्रमाण वस्तु के लक्ष्य से आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है ना, और द्रव्य का लक्ष्य करने वाली पर्याय है, उस पर्याय को द्रव्य के साथ में मिला दिया तो लक्ष्य कौन करेगा? विधान एक है, एक होय त्रण काल मां परमा रत्नो पंत, उसका विधान अलग अलग नहीं हो सकता। द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि। अब इसके अंदर में दूसरा कानून नहीं हो सकता, द्रव्य पर्याय दृष्टि सो हो ही नहीं सकता, जब हो नहीं सकता उसकी चर्चा क्यों करें? परिणाम जब यह कहता है कि मैं अपरिणामी हूं, परिणाम जब यह कहता है कि मैं अपरिणामी हूं तो परिणामी कहलाता है।
दूसरा कोई विधान नहीं है परिणामी का। जब वो परिणामी कहलाता है तो वो अपरिणामी भी नहीं होता और परिणाम भी नहीं होता। तब वो आत्मा होता है, तब वो द्रव्य और पर्याय नहीं होता। भेद ज्ञान की चर्चा में द्रव्य पर्याय की चर्चा चलती है, लेकिन जब अभेद, भेद ज्ञान माने क्या, अभेद का ज्ञान, उसका नाम भेद ज्ञान। तो अभेद का ज्ञान में द्रव्य पर्याय का भेद नहीं बसता। जिस वक्त अभेद का ज्ञान होता है, यानी कि वस्तु का ज्ञान होता है, अनुभूति होती है, उस समय यह द्रव्य और यह पर्याय ऐसी अनुभूति नहीं होती, तब वस्तु की अनुभूति होती है। वो अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणाम, तब वो परिणामी कहलाता है। लेकिन परिणामी कहलाता कब है, जब परिणाम यह कहे कि मैं परिणाम मात्र से भिन्न। इतना ही नहीं, परिणाम जब यह माने कि मैं अपरिणामी हूं, परिणाम को मानना यह है कि मैं अपरिणामी हूं, परिणाम मैं नहीं हूं, परिणाम से मैं सर्वथा भिन्न हूं। परिणाम अपने को द्रव्य से कथनचित भिन्न अभिन्न माने, परिणाम अपने को द्रव्य से सर्वथा भिन्न माने, परिणाम परिणाम को परद्रव्य माने, परभाव माने, पर सत्ता माने, और द्रव्य सत्ता जो है सो मैं हूं, अपरिणामी सो मैं हूं, ऐसा श्रद्धान करे, तब सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान का जन्म होता। क्योंकि पूर्ण प्रभु ध्रुव चीज एक समय की पर्याय बिना की चीज, उसकी श्रद्धा ए श्रद्धा पर्याय है। किसकी श्रद्धा, पर्याय बिना की चीज ऐसी ध्रुव सत्ता, उसकी श्रद्धा, उसका नाम श्रद्धा है। पूर्ण प्रभु ध्रुव चीज, पूर्ण प्रभु ध्रुव चीज एक समय की पर्याय बिना की चीज, उसकी श्रद्धा, किसकी श्रद्धा, ध्रुव चीज की। जो ध्रुव चीज पर्याय बिना की चीज है, उस चीज की श्रद्धा, ये श्रद्धा पर्याय है। यानी जो पर्याय रहित के द्रव्य की श्रद्धा करती है, उसका नाम श्रद्धा पर्याय है। यानी उसका दूसरा मतलब यह हुआ कि जो पर्याय यह कहे कि मैं पर्याय, उसका नाम पर है। दूसरा मतलब यह हुआ कि जो पर्याय यह कहे कि मैं सुधात्मा हूं, उसका नाम पर्याय है। तीसरी बात, जब वो कहती है श्रद्धा की पर्याय कि मैं द्रव्य हूं, तब वो द्रव्य है। माने द्रव्य से देखा जाए तो वो द्रव्य है, वो पर्याय नहीं है। पर्याय के अस्तित्व से देखा जाए तो श्रद्धा की पर्याय है, क्योंकि उसने अपने आप को पर्याय बिना की चीज ऐसी जो वस्तु है उसको मैं हूं ऐसा माना। और यदि वो पर्याय अपने को पर्याय रूप मानती है तो सही में वो पर्याय नहीं है, पर है, क्योंकि उसके अंदर में विकल्प होता है, उसके अंदर में इंद्रिय ज्ञान का जन्म होता है, उसके अंदर में ज्ञान का अज्ञान होता है, उसके अंदर में मिथ्यात्व होता है, उसके अंदर में परलक्ष होता है। इस स्थिति के अंदर में अनुभूति नहीं हो सकती। अनुभूति तब ही होती है पूर्ण प्रभु ध्रुव चीज एक समय की पर्याय बिना की चीज, उसकी श्रद्धा ए श्रद्धा पर्याय है, वो द्रव्य त्रिकाली है, उसकी श्रद्धा। समझ में आया,
उसका नाम सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन की परिभाषा है। पर्याय बिना की जो चीज है सो मैं हूं, ऐसा श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। जब पर्याय उसे परद्रव्य लगती है और ध्रुव स्वद्रव्य लगता है, उस पर्याय को हम श्रद्धा की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय कहते हैं। जो आ तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन आ, तत्वार श्रद्धान व्यवहार, तत्वार श्रद्धान ये व्यवहार की बात यहां नहीं है। माने नौ तत्व का श्रद्धान व्यवहार श्रद्धान, इसकी बात यहां पे नहीं है। शुद्ध जीव तत्व की श्रद्धान, शुद्ध जीव द्रव्य का श्रद्धान, वो श्रद्धान को यहां पे सम्यक दर्शन कहा गया है। यहां तो परमार्थ की बात है। अपने जीवन के अंदर में ये बात अपन टंकोत्कीर्ण कर ले कि व्यवहार किसी भी प्रकार का हो, चारों प्रकार का व्यवहार, सद्भुत असद्भुत उपचरित अनुपचरित, चारों प्रकार का जो व्यवहार है वो सारा का सारा असत्यार्थ अभूतार्थ झूठा है। जैसी वस्तु है ऐसी वस्तु को न बतलावे उनका नाम व्यवहार। दूसरे की चीज को दूसरे की कहे उसका नाम व्यवहार। अभेद वस्तु को भेद रूप बतलावे उसका नाम व्यवहार। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये व्यवहार का कथन है। भेद ज्ञान का मतलब होता है अभेद का ज्ञान। भेद का ज्ञान उसका नाम भेद ज्ञान नहीं है, अभेद का ज्ञान उसका नाम भेद ज्ञान है। तो वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखना होगा, क्योंकि आत्मा के अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आत्मा के अंदर में आत्मा बसता है। जब तक आत्मा के अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद दिखता है, गुण भेद दिखता है, तब तक अभेद एक गुणी नहीं दिखता। वस्तु के अंदर में गुण गुणी का भेद नहीं है, वस्तु एक गुणी है। तो गुणी को गुणी से देखे, अभेद से देखे, स्वभाव से देखे, एक रूप देखे, तो वस्तु जैसी है वैसी श्रद्धान में आती है। निज स्वरूप में आरूढ़ होकर समझ में आया, अपना भगवान निज परमात्मा द्रव्य वस्तु वो तरफ का झुकाव से जो सम्यक श्रद्धान हुआ, निर्विकल्प सम्यक दर्शन हुआ, विकल्प तो नहीं अने विकल्प का आश्रय नहीं, श्रद्धा का आश्रय में भगवान त्रिकाली द्रव्य। श्रद्धा का आश्रय में क्या? भगवान त्रिकाली द्रव्य, उनका श्रद्धान, बस उसका नाम सम्यक श्रद्धान। माने पर्याय बिना की जो चीज है उस वस्तु का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक श्रद्धान है। अब ये बात तो कौन कह सकते हैं? गुरुदेव जैसे पुरुष ही ये बात कह सकते हैं, आचार्य भगवान ये बात कह सकते हैं। अपन को इस बात का भली भांति इस बात को समझना होगा। इसके उंडप में जाकर, उंडाण में जाकर आचार्य भगवान गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, उसके हृदय को समझना होगा। क्योंकि एक सत्ता के दो सत, इस बात की सम्मति सबको है और इस बात से प्रमाण स्वरूप वस्तु से कोई इनकार नहीं कर, क्योंकि वस्तु है द्रव्य पर्याय स्वरूप, तो उसको कौन इनकार करे। लेकिन ऐसी पदार्थ की सिद्धि
प्रयोजन की सिद्धि के बिना पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। विकल्पात्मक पदार्थ की सिद्धि तो हो गई कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, लेकिन द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का अनुभव तो जब प्रयोजन की सिद्धि होती है तब अनुभूति होती है, उस अनुभूति के अंदर में पदार्थ की सिद्धि होती है, क्योंकि द्रव्य पर्याय का ज्ञान अनुभूति में होता है। जब तक अनुभूति न हो तब तक ये द्रव्य और ये पर्याय ऐसा ज्ञान ही नहीं होता, और उस अनुभूति के अंदर में भी पर्याय पकड़ में नहीं आती। अनुभूति से बाहर विकल्प में आता है, आनंद आया था, आनंद चला गया तो पर्याय चली गई और मैं यू क्या यू रह गया तो दोनों का ज्ञान हुआ ऐसा कहलाता है। तो एक समय की पर्याय पकड़ में आने वाली चीज नहीं है, जिसके पीछे तू भागता है, जिसको अपना मानता है, जिनकी दृष्टि करते हुए अनंत काल मिथ्यात्व को तूने पाला पोसा है, आज तक उस पर्याय को तूने देखा है? ऐसा अमूल्य जीवन, अमूल्य देव शास्त्र गुरु का योग, अमूल्य जिनवाणी की समझ, जिनवाणी सुनने का मौका, और ये सब कुछ मिलते हुए भी, अपन देव शास्त्रों की बात सुनते हुए भी, समझते हुए भी, शुद्धात्मा की जब बात आती है तो निश्चय की बात, एकांत एकांत एकांत। अरे भाई एक बार नहीं 100 बार एकांत, लेकिन सम्यक एकांत, क्योंकि अनादिकाल से तूने पाला पोसा है मिथ्या एकांत को। अनेकांत तो अस्थि नास्ति पूर्वक अनेकांत होता है, और अस्थि में आए बिना नास्ति किसकी। तो सम्यक एकांत के पक्ष में आए बिना सम्यक अनेकांत का जन्म नहीं होता, इसलिए श्रीमद जी कहते हैं कि अनेकांत पण सम्यक एकांत एवं निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतुए उपकारी नथी। अनेकांत पण अनेकांत भी सम्यक एकांत ऐसा निज पद की प्राप्ति सिवाय अन्य हेतुए उपकारी नथी। माने अनेकांत में से यदि आप सम्यक एकांत निकालो तब तो वो अनेकांत का उपकार है। अनेकांत से अस्ति नस्ति अस्ति नस्ति अस्ति नस्ति करते रहो तो क्या होगा? जो आज तक होता रहा वो होते रहेगा। यदि आज से कुछ पलटना है, शाश्वत तीर्थ धाम में आकर शाश्वत स्वभाव में अपनापन किया तो जीवन की सार्थकता है, सिद्धों की श्रेणी में अपना नाम लिखा हुआ है। ये बात जो अपन पूजा के अंदर में कहते हैं, बोलते हैं, इस भावना को भाते हैं, उसकी शुरुआत तो कहीं होनी चाहिए, और वो शुरुआत एक शुद्धात्मा के श्रद्धान के बिना नहीं हो सकती, उसके ऊपर वजन आए बिना। सोगानी जी साहब ऐसा कहते हैं कि तुझे शुद्धात्मा का जोर नहीं आता, द्रव्य का जोर नहीं आता, और द्रव्य का जोर नहीं आने से आत्मा की अनुभूति नहीं होती। वो कहते हैं चारों तरफ से द्रव्य के ऊपर दबाव आना चाहिए, दबाव आना चाहिए, मना चारों तरफ से बस मैं परमात्मा मैं परमात्मा मैं परमात्मा, उसके अलावा कुछ चले ही। गुरुदेव श्री जो बात कहा करते थे कि हमें अंदर जाइए छे तो हमने अमारी पर्याय दिखाती नहीं, हमारो भगवान आत्मा दिखाए छे, अने बाहर आवीए छे तो तमारी पर्याय दिखाती नहीं, तमारो भगवान आत्मा दिखाए छे। अंतरंग में अपनी पर्याय नहीं दिखती और बाहर में दूसरों की पर्याय नहीं दिखती, अंतरंग में अपना भगवान आत्मा दिखता और बाहर में दूसरे को भी भगवान आत्मा दिखे, तब राग द्वेष का प्रकरण समाप्त हो जाता है। स्व समय और पर समय ये चर्चा हमें पोसाती नहीं है, कौन सा स्व समय और कौन सा पर समय, मैं तो समय सार हूं, सुधात्मा हूं, परमात्मा हूं, भगवान हूं, इसके अलावा और कोई बात चलनी नहीं चाहिए। आत्मार्थियों के बीच में, मुमुक्षुओं के बीच में, गुरुदेव के संतानों के बीच में, देखिए तीर्थंकर पुरुष का आगमन 25-50-100 आदमी को मोक्ष में ले जाने के लिए नहीं होता है। वो जब मोक्ष में जाते हैं तो साथ में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं,
लाखों नहीं करोड़ों जीव मोक्ष जाते हैं। गुरुदेव महाविदेह से सिमंदर परमात्मा की वाणी लेकर आए और महाविदेह से मोक्ष में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, करोड़ों को असंख्यों को लेकर जाएंगे। तो ये जाएंगे कब? जब अपन भी अपनी तैयारी, एक शुद्धात्मा की बात, जो बात गुरुदेव ने की इस 320वीं गाथा के अंदर में, 6वीं गाथा के अंदर में, वो बात हम और आप करने लगे शुद्धात्मा की बात। अरे ध्रुव तत्व तो पर्याय से रहित है, प्रमत अप्रमत से रहित है, प्रमत अप्रमत से भिन्न तत्व, ज्ञायक तत्व, परिपूर्ण तत्व, ध्रुव तत्व, सो मैं हूं, उसका नाम सम्यक श्रद्धान है। सम्यक श्रद्धान में परिश्रम नहीं होता। यह बात दिमाग से निकाल दे कि अनंत पुरुषार्थ का नाम सम्यक दर्शन है। कुछ नहीं करना उसका नाम पुरुषार्थ है, कुछ करना उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, कुछ करना उसका नाम कर्तृत्व है। और कुछ नहीं करने का मतलब है कि मैं स्वभाव से परमात्मा हूं और परमात्मा हूं तो मैं परमात्मा, अपने आप को परमात्मा मान, उसका नाम कुछ नहीं करना है। सम्यक दर्शन करना है तो कर्तृत्व, परमात्मा बनना है तो कर्तृत्व, और मैं परमात्मा हूं तो अकर्ता। देखिए एक सीधा साधा सा उदाहरण, दीपक भाई, अब जिससे जो कोई बात का बुरा नहीं माने उसका दृष्टांत दिया जाता, सबका दिया नहीं जाता। दीपक भाई, अपने आप को दीपक भाई हूं मैं, ये सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ आप? तो क्या उनका एक सीधा साधा उपाय, जगत को जो समझ में आता है कि इस विश्व की वस्ती 700 करोड़ है, तो ये 700 करोड़ में मैं दीपक भाई हूं तय करने के लिए अपन अमेरिका से शुरू करें, करें अमेरिका से कि ओबामा जो है वो मैं नहीं हूं, क्लिंटन जो है वो मैं नहीं हूं, बुश जो है वो मैं नहीं हूं। एक एक व्यक्ति को पकड़, ए मैं नहीं हूं, ए मैं नहीं हूं, ए मैं नहीं हूं, ए मैं नहीं हूं। फिर अमेरिका का क्रम खत्म हो जाए तो रसिया आ जाए, रसिया का क्रम खत्म हो जाए तो फ्रांस आ जाए, फ्रांस खत्म हो जाए तो जर्मनी आ जाए, जर्मनी खत्म हो जाए तो इंडिया में आ जाए। इसकी नास्ती, इसकी नास्ती, इसकी नास्ती, तो एक की अस्थि सिद्ध हो जाएगी। अनंत की नास्ती में एक की अस्थि सिद्ध नहीं होती, और एक की अस्थि में अनंत की नास्ती सिद्ध हो जाती है। मैं दीपक हूं तो मैं अनंत जो है वो मैं नहीं हूं उसमें सिद्ध हो जाता। मैं परमात्मा हूं तो पर्याय मात्र मैं नहीं हूं, परद्रव्य में नहीं हूं, जगत के अनंत पदार्थों में नहीं हूं, ऐसी एक की अस्थि में अनंत की नास्ती समाती है। और उस एक की अस्थि के अंदर में वो मस्त रह गया, लीन रह गया, एकत्व हो गया, तो उसका नाम अनुभूति है। उसमें पुरुषार्थ की कौन सी बात है? अब एक की अस्थि का स्वीकार करे उसका नाम अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि उसने अनादिकाल से एक कार्य नहीं किया। उस अपेक्षा से उसको कहा गया कि अनंत पुरुषार्थ में आत्मा की अनुभूति होती। लेकिन सत्य वस्तु को सत्य जानना, सत्य मानना, उसका नाम पुरुषार्थ है। आज तक ऐसा नहीं जाना, आज तक उल्टा पुरुषार्थ किया, पर पदार्थ को अपना माना, संयोग को अपना माना, जो कुछ भी उदय में आया उसको अपना माना, उदय से अपने को सुखी दुखी माना, उसलिए कहते हैं कि अनंता पुरुषार्थ है। और गुरुदेव श्री यह कहते थे, सोनगढ़ के स्वाध्याय मंदिर के जहाँ पे जिस चौकी पे बैठकर गुरुदेव पहले प्रवचन करते थे, वहाँ बाहर की जो सामने की जो वरंडा ओसरी जो है, वहाँ पे एक एल्यूमिनियम का छोटा सा पाइप लगा हुआ रहता था और पोपट आता था उसके ऊपर बैठता था। वो बैठते ही हो तो जो पाइप है वो तो एकदम हल्का सा होता, वो बैठता ही घूम जाता तो पोपट उसके ऊपर में लटक जाता था। अब गुरुदेव श्री ये दृष्टांत देते थे कि पोपट का स्वभाव तो उड़ना है, लेकिन वो पाइप को नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? यदि मैं इसको छोड़ूंगा तो गिरूंगा, मर जाऊंगा। लेकिन उसको करना क्या था कि एक गुलाट मारना था, गुलाट मारता तो हवा में उड़ जाता, क्योंकि उड़ना उनका स्वभाव था।
ऐसे मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा मुक्त रहना उनका स्वभाव है, लेकिन संयोग को देखकर, संयोग को पकड़ के, ये मेरा संयोग, ये मेरा उदय, ये मेरा कर्म, संसार के अंदर में अनादि काल से हैरान परेशान हो रहा इस भाव से। एक गुलाट मारे, मैं परमात्मा, बस इतनी सी गुलाट, मैं परमात्मा, तो मुक्त सिद्ध दशा में रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। परतंत्रता मेरे जीवन में हो नहीं सकती, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और राग और द्वेष जो है वो तो परदेशी है, वो अंग्रेज है, अंग्रेज, उसको तो भारत छोड़ना है। माने हमारी भूमि को, हमारे पर्याय के अंदर में राग द्वेष का प्रतिभास देखकर मैं रागी मैं द्वेषी, ऐसी जो भ्रमणा हुई थी, भ्रांति हुई थी, वो अंग्रेज को हमारी भूमि छोड़ने का वक्त आ चुका है। क्योंकि आज हमें ये भान हो चुका है कि हम स्वभाव से परमात्मा है। राग स्वभाव से जड़ का परिणाम है, जड़ का परिणाम का चेतन के अंदर में कोई भी प्रवेश निषेध, निषेध और निषेध है, वो मेरे में नहीं आ सकते। प्रतिभासित तो सारा विश्व होता है, हो कुछ भी प्रतिभासित, उससे मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो प्रतिभासमय वस्तु हूं, प्रतिभास मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो ज्ञानमय वस्तु हूं, ज्ञान भी मेरा स्वभाव नहीं है, जानना मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो जाननहार हूं। इस बात की घोषणा जिसे समझ में आती है उसे एक भगवान आत्मा के अलावा कुछ प्यारा नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता। ऐसा ये अद्भुत अलौकिक अवसर आज गुरुदेव के प्रताप से, हम और आप सबके सौभाग्य के कारण से मुक्ति में जाने का निकट समय आ चुका है। आसन भव्य जीव है सभी, इसलिए इस बात को बारंबार सुनते हैं, सुनकर समझकर अंतरंग में घुटते हैं। इस घुटन के अंदर में सारी की सारी बात अंतरंग से चले, शुद्धात्मा से चले, भगवान आत्मा से चले, इतना ही प्रयोग जिसके अंतरंग में चालू हो गया, भावि निर्वाण भाजनम। ऐसा अद्भुत अलौकिक यह काल है, सभी जीव अपने को परमात्मा समझे, परमात्मा देखे, परमात्मा माने, इसी मंगल भावना के साथ।